झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का अंतिम दिन है। कमलेश जी, अगर बात करेंगे सत्र के दौरान कई हंगामेदार भी रहा, जो बिल पास हुआ है झारखंड परीक्षा प्रतियोगिता को नियामित, उसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, छात्रों के लिए जो उचित हो, जिस पर छात्र का भविष्य निर्भर करता है, अगर उनके विकास के लिए, उनके जो है नवनिर्माण के लिए अगर कदम उठता है तो उसका स्वागत है, लेकिन देखना पड़ेगा इससे कितना लाभ होगा यह समय बताएगा। कमलेश जी, विपक्ष लगातार सुखाड़ घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष अब इसको टाल मटोल करी, इसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, स्थिति बहुत भयानक है। ये थोड़ा बहुत रोज एक दिन पानी पड़ गया तो ऐसा नहीं है कि सुखाड़ की स्थिति में बहुत सुधार हो गया है, ऐसी बात नहीं है। देश अति राज्य के कितने भी जिला हैं जहाँ पर पानी की स्थिति बहुत गंभीर बनी। बिजली की समस्या आप लोगों के क्षेत्र में आ रही, लगातार बैठे हुए धरने पर पलामू प्रमंडल उचैनाबाद को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? काफ़ी गलत बात है। दो टावर गिर गया था जिसका कि मरम्मत हो रहा था, और उसके लिए हमारी बातचीत हुई है अविनाश बाबू से और के वर्मा से, और यह बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर लाइन शुरू होने जाता है, और जब शुरू होने जाता है तो सब चालू होता है नोटिंग की। ये थे हमारे साथ एनसीपी के विधायक कमलेश सिंह। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो बिल लाया गया था सदन में, उसको लेकर सत्ता पक्ष के कई और विधायक था जो उन्होंने प्रवर समिति में भेजने की बात कही थी, लेकिन सत्ता पक्ष अपने बहुमत के आधार पर इन्हें पास कराया, लेकिन फिर से इसमें संशोधन करने की जरूरत है। सहयोगी उदय के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची। टफकॉन XT600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।